हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। येस, वी आर बैक विथ वन मोर सूप पेंटिंग। आप लोगों को मेरे पहले के भी सूप पेंटिंग वीडियो बहुत पसंद आए थे, और साथ ही आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने जो आपके DIYs हैं और आर्ट पीसेस हैं उनको लंबे टाइम के लिए सिक्योर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट पे किस तरह का वार्निश अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूप पेंटिंग से। तो ये सूप लिया है मैंने, बैम्बू ट्रे, कूलो, जो भी आप इसे कह लें। हमारे यहाँ पे ये छठ में यूज़ होती है, तो मैं छठ वाला सूप ही यूज़ कर रही हूँ। और पहले हमने पेंसिल के हेल्प से रफली जो हमें पेंटिंग करनी है उसे स्केच कर लिया है, और पेंटिंग के लिए हमने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। पहले जो आउटलाइन है उसे ब्लैक कलर से कर लेंगे, और उसके बाद जो भी कलर फिल करने हैं फिल कर लेंगे। ये जामनी रॉय इंस्पायर्ड पेंटिंग है। पहले भी जो मैंने सूप पेंटिंग किया था वो जामनी रॉय इंस्पायर्ड पेंटिंग ही थी। ये पेंटिंग मुझे बाकी पेंटिंग आर्ट फॉर्म के कंपैरिजन में थोड़ा इजी लगता है। आप भी इसे श्योर ट्राई करें। ये हो सकता है देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा हो, बट आप एक बार ट्राई करेंगे तो ये ड्रॉ करना काफ़ी आसान है। ओके, सो जो बेस कलर है उसे हमने फिल कर लिया है, और आगे की डिटेलिंग फेस वगैरह हम ब्लैक कलर से और 0 नंबर ब्रश की हेल्प से बना लेंगे। पहले वाला सूप पेंटिंग वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैंने पेंटिंग काफ़ी डिटेल में आपको दिखाया है, आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सेम पेंटिंग क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप क्रिएट करते हैं तो प्लीज़ शेयर इट मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, आप मुझे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, मुझे देखकर बहुत खुशी होगी। सो वी आर ऑलमोस्ट डन, थोड़ी बहुत और डिटेलिंग हम ऐड कर लेंगे, और एक्स्ट्रा डिटेलिंग के लिए आप चाहो तो इस तरह का 3D कोन भी यूज कर सकते हो। और सूप का जो साइड है उसमें भी हमने थोड़ा रेड कलर ऐड कर लिया है, एंड इट्स डन। आप देखो बनने के बाद ये कितना प्यारा दिख रहा है। सो ये थी हमारी सूप पेंटिंग नंबर 3। आई होप आपको ये पसंद आया हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं कि कैसे हमें अपने प्रोडक्ट को वार्निश करके लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करना है। तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि लास्ट में वार्निश ज़रूर अप्लाई करें, तो आज हम सारे में वार्निश अप्लाई करेंगे। और हमने 2 टाइप के वार्निश लिए हैं। ये है फर्स्ट स्प्रे वार्निश, प्राइस आप देख सकते हैं 250 रुपीज़, मैंने अमेजोन से लिया है, आपको किसी भी स्टेशनरी में भी मिल जाएगा। एंड सेकेंड है ये क्लियर सिंथेटिक वार्निश एशियन पेंट का, ये हमने हार्डवेयर स्टोर से लिया है, इसका प्राइस है सिर्फ 65 रुपीज़, जो आपको 60 रुपीज़ तक में हार्डवेयर स्टोर में मिल जाता है। और दोनों में डिफरेंस ये है कि इसे आप यूज़ करते हैं तो अगर आप वाइट सरफेस पे यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी येलोनेस आ जाती है, और ये काफ़ी स्टिकी होता है। इसे ड्राई करने के लिए भी आपको 24 आवर के लिए छोड़ना पड़ता है, ये ऑयल बेस्ड होता है। अदरवाइज़ कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, और स्प्रे वर्निश भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, बट ये काफ़ी अफोर्डेबल है और वो थोड़ा महंगा है। तो जो भी हमारे DIYs हैं जो हमने यहाँ पे रांची में क्रिएट किया है, सभी को आज हम वार्निश करेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि अगर मैं मार्कर यूज़ करती हूँ और उसके बाद वार्निश अप्लाई करती हूँ तो वो मार्कर जो है वो स्प्रेड हो जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें ये जो फ्लावर्स हैं वो वाइट कलर में हैं, तो इसलिए मैं इसमें स्प्रे वार्निश अप्लाई कर रही हूँ।
ये स्प्रे वार्निश मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ एंड आई मस्ट से कि ये यूज़ करने में बहुत ईजी है, बहुत क्विकली ड्राई हो जाता है और इसका इफ़ेक्ट भी अच्छा आता है। तो अगर आप बहुत कम DIY हैं आपके या पेंटिंग्स हैं एक दो हैं तो आप ये वार्निश ज़रूर ट्राई करें। और ये भी वाइट कलर में था इसका डिज़ाइन, तो इसलिए इसमें भी हमने स्प्रे कर लिया है। और नेक्स्ट ये सूप जो हमने रिसेंटली बनाया है इसमें भी मैं लिक्विड वार्निश ही अप्लाई कर रही हूँ। वार्निश करने के बाद आपका जो भी आर्ट वर्क है, जो भी DIY है, वो बहुत अच्छे से सील हो जाता है और प्रिजर्व हो जाता है, डैमेज नहीं होता, उसमें फंगस नहीं लगेंगे, वाटरप्रूफ हो जाता है। गंदा होने के बाद आप गीले कपड़े से इसे क्लीन भी कर सकते हैं और आफ्टर इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं, एक बहुत अच्छी साइन आ जाती है इसमें। और ये टेबल हम इसमें भी अप्लाई कर लेंगे वार्निश। एंड ये हमारा नेम प्लेट। तो ये जितने भी DIY आप देख रहे हैं जिसमें आज मैं वार्निश कर रही हूँ, ये सारे इस बार हमने रांची में क्रिएट किया है। तो अगर आपने मिस कर दिया है तो आप वीडियो देख सकते हैं। और ये हमारा ड्रम जो हमने पेंट किया था, ये वाइट है फिर भी मैं इसमें लिक्विड वार्निश ही कर रही हूँ। थोड़ी येलोनेस आएगी पर कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप फिर दूसरे वार्निश अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी हमने मार्कर यूज़ किया था आउटलाइन के लिए, बट कुछ भी स्प्रेड नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं। आई थिंक मार्कर अप्लाई करने के तुरंत बाद वार्निश करने से स्प्रेड हो सकता है, तो आप 2-4 दिनों के लिए ड्राई होने दें उसके बाद अप्लाई करें। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।